आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ के कुछ टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। मेरा पहला पॉइंट है सुल्तान अहमद मॉस्क और इसे पॉपुलरली ब्लू मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। बाहर से अगर आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि इसे ब्लू मॉस्क क्यों कहा जाता है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड आउट कि इसका राज क्या है। किसी भी मस्जिद बनाने वाले की पावर पता चलती है यहाँ के मिनरल्स से। जितने ज़्यादा मिनरल्स उतना ज़्यादा पावरफुल वो इंसान होता है। और इस ब्लू मॉस्क को बनाया था सुल्तान अहमद वन ने एंड इस मॉस्क के टोटल 6 मिनरल्स हैं। जब ये बना गया था तब सिर्फ एक और मस्जिद था जिसके 6 मिनरल्स थे एंड वो था मक्का। सो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कि कैसे सुल्तान अहमद मक्का के मॉस्क से अपने आप को कंपेयर कर सकता है। सब लोग ने कहा कि मॉस्क को तोड़ देना चाहिए, यहाँ के मिनरल्स को तोड़ देना चाहिए, बट सुल्तान अहमद बहुत ज़्यादा वाइज था। उसने अपने आर्किटेक्ट्स को मक्का भेज दिया एक और मिनरेट बनाने। तो अब मक्का में 7 मिनरेट्स है एंड यहाँ पे 6 मिनरेट्स है। इससे सब तो खुश हो ही गए एंड सुल्तान अहमद का मॉस्क भी बच गया एंड आज हम ये मॉस्क देख सकते हैं। टर्की वैसे एक बहुत ही लिबरल देश है एंड आप यहाँ पे कुछ भी पहनें, कुछ भी करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को। बट अगर आप मस्जिद जा रहे हैं तो लड़कियों का सर ढका होना चाहिए, चेस्ट एरिया एंड आर्म एरियाज ढके हुए रहने चाहिए एंड लूज क्लोथ्स पहनना चाहिए। एंड लड़कों के लिए भी एक रूल है कि शॉर्ट पैंट्स अलाउ नहीं है, फुल पैंट्स पहनना है। अगर आप ब्लू मॉस्क आ रहे हो तो यहाँ पर फ्री कपड़े दिए जाते हैं अंदर जाने के लिए एंड बाहर निकलते ही आपको वापस उसे रिटर्न करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम चल रहा है इसलिए आप समझ नहीं पाए होंगे कि इसे ब्लू मॉस्क क्यों कहा जाता है। बट अंदर की सीलिंग्स एंड वॉल्स सारी ब्लू टाइल्स से कवर्ड है इसलिए इसका निकनेम है द ब्लू मॉस्क। ब्लू मॉस्क के बाद मैं चाहता तो हाया सोफिया म्यूज़ियम जा सकता बट मैं सीधा आ गया हूँ द ग्रैंड बाज़ार। मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। बट अगर आप ग्रैंड बाज़ार किसी महिला सदस्य के साथ आ रहे हैं तो आपका लुटना तय है। वो क्यों ये अब थोड़ी देर में पता चलेगा। ग्रैंड बाज़ार दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट मार्केट्स में से एक है एंड यहाँ पे आपको कपड़े, जूते, फर्नीचर, रग्स, एक्सेसरीज, लेदर वेयर सब कुछ मिल जाएगा। एंड ये मार्केट इतना बड़ा है कि अगर आप शॉपिंग के लिए आ रहे हो तो आपको एक दिन पूरा डेडिकेट करना चाहिए सिर्फ ग्रैंड बाज़ार के लिए। अगर बैंकॉक फेमस है सस्ते शॉपिंग के लिए तो टर्की का ग्रैंड बाज़ार फेमस है सस्ते और अच्छे शॉपिंग के लिए। बस यहाँ पे आपको एक ही टैलेंट चाहिए, आपको थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आनी चाहिए तो घर से वो थोड़ा बहुत सीख कर आना। एंड दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करने के लिए 3-4 दिन स्पेंड करते हैं एंड फिर अपने देश वापस चले जाते हैं। यहाँ की शॉपिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है। ग्रैंड बाज़ार के 15 मिनट की दूरी पर ही है यहाँ का बहुत ही पॉपुलर स्पाइस मार्केट। हज़ारों तरीके के मसालों के अलावा यहाँ पे हज़ारों तरीके के टर्किश डेलिकेसीज, चाय, साबुन और दूसरे टॉयलेट्रीज मिल जाएंगे। अंदर जाने से यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आती है जो मैं बता तो नहीं सकता बट आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको ज़रूर पता चल जाएगा।
अगर आप शॉपिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी ग्रैंड बाज़ार और स्पाइस मार्केट आना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक टूरिस्ट पॉइंट है एंड एक एक्सपीरियंस है। एंड अगर आप शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कपड़ों के अलावा यहाँ पे रग्स, रस्ट ज्वेलरीज और टॉयलेटरीज बहुत अच्छे मिलते हैं, सो कीप दैट इन माइंड। अगर आपको स्ट्रीट शॉपिंग पसंद है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एल्को या वीटी या दिल्ली के जनपथ नगर या सरोजनी नगर से शॉपिंग कर रहे हैं। अब घूम फिर के मैं वापस आ गया हूँ हाया सोफिया म्यूज़ियम। हाया सोफिया म्यूज़ियम ब्लू मॉस्क के ठीक सामने है, बीच में सिर्फ एक गार्डन है। हाया सोफिया म्यूज़ियम की खास बात यह है कि शुरुआत में तकरीबन 900 सालों के लिए एक चर्च था, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर आया एंड इस जगह को टेक ओवर कर लिया, एंड फिर 500 सालों के लिए ये एक मस्जिद था, एंड फिर 1930s में अतातुर्क यहाँ के पहले प्रेसिडेंट ने इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। ये म्यूज़ियम शायद पूरे दुनिया में एक ही म्यूज़ियम है जहाँ पे आप क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम कल्चर का एक परफेक्ट एमलगमेशन देखोगे। इस म्यूज़ियम के अंदर एक स्वेटिंग वॉल भी है जहाँ पे अपना हाथ घुमाने से सारी विशेस पूरी हो जाती है। अब जो रीज़न मैं आपको बताने वाला था कि मैं हाया सोफिया म्यूज़ियम लेट क्यों आया हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस्तांबुल एक क्रूज़ टाउन भी है और सारे लोग क्रूज़ से उतर के सबसे पहले हाया सोफिया मॉस्क ही आते हैं। उसके अलावा सारे टूर ऑपरेटर्स भी पहले हाया सोफिया मॉस्क लेकर आते हैं। सो इन केस अगर आप कम क्राउड चाहते हो तो 9 बजे शार्प पहुँच जाओ यहाँ पर, या तो आप सेकेंड हाफ में आओ अराउंड 3 o'clock को, क्योंकि 5 बजे म्यूज़ियम बंद हो जाता है एंड उसके पहले बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं। इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं रशिया में भी बहुत ज़्यादा चला था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सारे रास्ते बहुत ज़्यादा स्टीप है, यहाँ तो ऐसे हैं यहाँ ऐसे हैं, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, चलते वक्त मुझे एक्चुअली झुकना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा स्टीप है एंड इतना चल चल के मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो लेट्स गो एंड ईट समथिंग। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है कबाब, और कबाब के साथ मुझे बहुत कुछ मिला है, जैसे कि टमाटो सैलड, अनियंस, हैलपिनियो, कुछ कोरिएंडर लीव्स, यहाँ पे टमाटर भी है, एंड कबाब के साथ एक ब्रेड मिली है, उसके अलावा मुझे और एक ब्रेड मिली है, सो लेट्स सी कैसा होता है। कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी है जिससे एक मस्त पंजन टेस्ट आ रहा है, एंड अनियन और ये टमाटर सॉस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये कबाब यहाँ की लोकल स्पेशलिटी है, अगर आप इस्तांबुल आ रहे हो तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप ब्लू मॉस्क या हाया सोफिया म्यूज़ियम के आसपास कबाब्स खा रहे हो तो आपको कम से कम 40 से 45 लीरा देने पड़ेंगे, बट जहाँ पे मैंने खाया है वहाँ पे मैंने 22 लीरा दिए हैं, एंड ये एक हिडन जेम है, सिर्फ लोकल्स को पता है ये जगह, नाम तो मुझसे नहीं लिया जाएगा, इसलिए जियो लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप यहाँ के कबाब्स ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ही लजीज कबाब खाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने आखिरी डेस्टिनेशन गलाता टावर के यहाँ। ट्रैम ने मुझे कैरिकोई स्टेशन छोड़ा और यहाँ से गलाटा टावर बहुत ऊपर है, ये गलाटा टावर नहीं समझो वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, इतनी चढ़ाई करके जाना है ऊपर। ये
ये टावर 14th सेंचुरी में बना था एंड तब उसे टावर ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता था, बट ऑटोमन एम्पायर ने जब टेक ओवर किया तब इसे गलाटा टावर का नाम मिला। ये अभी टूरिस्ट के लिए ओपन है, बहुत लंबी लाइन है, लगता है 2 घंटे लगने वाले, इसलिए मैं ये प्लान तो स्किप करने वाला हूँ। वैसे भी मुझे इस शहर का पैनोरामिक व्यू हर रोज मिलता ही है फेरी से, इसलिए मैं ये प्लान तो स्किप कर सकता हूँ। अगर आपको टावर देखा देखा सा लग रहा है वो इसलिए क्योंकि दिल धड़कने दो की शूटिंग यहाँ पर ही हुई थी। सो मेरी ये वीडियो तो यहीं ख़त्म हुई, बट इस्तांबुल की यात्रा अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को एक थम्स अप दे दो और आगे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको मिलूँगा यहीं इसी जगह पे कुछ नए स्टोरीज़ और नए एडवेंचर्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी हॉलीडेज़।